देखिए कि आखिर पब्लिक के लिए लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय क्या है। फास्ट समाचार पर एसडीएम कोलारस आशीष तिवारी से विशेष बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोलारस अनुविभागीय अधिकारी आशीष तिवारी जी। आइए चर्चा करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ही कुछ नियम अभी अभी लागू किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार पर। सर, रिसेंटली आपने 7 से जो 11 जो शॉप है, दुकानें हैं, वो खुलेंगी, ऐसा निर्णय जो निकाला है, उसके बारे में आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, केंद्रीय सरकार गृह मंत्रालय के अनुसार जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको 7 से 5 खोलने का प्रावधान था, परंतु यहाँ देखा गया कि कई बार लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं और अननेसेसरी भीड़ भाड़ भी होता है। उसको लेकर हमने सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग किया है, तो सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि किराना और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 खुलेंगी, और जो कृषि से रिलेटेड जो भी मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स हैं, जो किसान मंडी में आता है तो उसकी बात करता है, तो 12 से 5 करेंगे। आपसी सहमति से सबके साथ बैठ कर हम लोगों ने ये 2 स्लॉट कर दिए ताकि थोड़ा मार्केट में रश कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। देखा जा रहा है कि कोलारस में अभी तक कोविड-19 का कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया, जिसके लिए पूरा प्रशासन आपको एक बधाई के पात्र है, जिसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों से एक क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, जो लोगों से आपको थोड़ा सा समर्थन जो अभी शायद नहीं मिल रहा है या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जनता को समझाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, इसके लिए तो हमारी जिला कलेक्टर एवं पूरी प्रशासनिक टीम बधाई की पात्र है कि अभी तक हम लोग इस पूरे सब डिवीज़न में और मैं तो ये कहूँगा पूरे जिले में ही कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक का है तो पब्लिक से मेरा यही आह्वान है, रिक्वेस्ट है कि यथासंभव जरूरी ना हो तो ही निकलें। काफ़ी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बट अभी भी समाज में 5-10% एक ऐसा वर्ग है जो रोज निकल के आ रहा है सामने, अननेसेसरी घूम रहा है, चलानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आज भी हमारी जो मीटिंग हुई है अभी पुलिस थाने में, उसमें भी हमने स्ट्रिक्टली कहा है लोगों से कि जो भी बिना अनुमति बिना समय अननेसेसरी दुकानें खोल के बैठेंगे, जो लोग घूमते पाए जाएंगे उन पर चलानी कार्रवाई भी की गई है परसों, और उनमें से कुछ दुकानें भी हम सील करेंगे कल से, ताकि एक जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वो भी डिमोटिवेट ना हो कि जो लोग अननेसेसरी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखें और बाहर ना निकले जब तक कि अति आवश्यक ना हो। कल जो कोटा नाके से जो बच्चे कोटा से आए, उनका स्क्रीनिंग की गई, उनको बिल्कुल प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद घर भेजा गया, उसके लिए बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की गई, वो आपने कैसे उसको मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, कम से कम 1400 बच्चे थे, 140 बसें वहाँ पर मौजूद थी, तो ये सब करने में कैसे आपने मॉनिटर किया सर? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पहले से प्लानिंग की। पहली बात तो 140 बसेस जो थी वो यहाँ से गई थी, यहाँ जो आने वाली बसेस थी वो लगभग 55 से 60 बसेस थी, अलग अलग रूट की, 12 जिलों को यहाँ से हमको कैटर करना था। लेकिन तो वहाँ से जो बच्चे आ रहे थे वो सभी जिलों के अलग एक साथ बैठ के आ रहे होते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, यहाँ हमको उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज छांटना था। फिर डिटेल प्लानिंग हमने इलेक्शन मोड में की थी, अलग अलग काउंटर्स बनाए थे, ड्यूटी लगाई थी लोगों की। बाद में पता चला कि बच्चों का लगेज भी बहुत है, तो हमने फिर कुछ मजदूरों की व्यवस्था की वहाँ, ताकि बच्चों को समस्या नहीं हो। और सबके सहयोग से मैडम के निर्देशन में रात में 11 बजे तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया और सभी बच्चों को उनके निर्धारित जिलों में भेज दिया। ये थे हमारे साथ एसडीएम कोलारस आशीष तिवारी जी, जिन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये संदेश दिया है, ये आह्वान किया है कि अति आवश्यक होने पर ही वे अपने घर से निकले, अगर जरूरी नहीं है तो वे घर से बिल्कुल भी ना निकले, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। फास्ट समाचार के लिए शिवपुरी से मैं निशी भाग।